सर माइनस फोर, सर माइनस फोर, एट बड़ा या फोर माइनस, यार एक्चुअली पहले माइनस एट बोलती है बाद में माइनस फोर बोलती है, दो नंबर बड़ा। अरे यार बड़ा सर की वॉइस कट कट के आ रही है इधर। बेटा आप लोग बीच में बोल रहे हो ना इसके लिए आवाज कट रही है, बोलोगे नहीं तो आवाज नहीं कटेगी। देखो इसमें आपका एट बड़ा है इसलिए साइन माइनस, और माइनस माइनस क्या करना होता है प्लस, प्लस करना है तो यहाँ कुछ नहीं तो नीचे पहले वन पुट कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले वन और फाइव का एलसीएम लो, वन और फाइव में डायरेक्ट एलसीएम फाइव आ जाता है, तो आप यहाँ लिखे टू बाई वन ऊपर नीचे 5 से इनटू कर दिया, 2 5 जा 10, 10 बाय 5 आ गया, तो अब इसका डिनोमिनेटर 5 आ गया, अब 4 बाय 5, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आते हैं इसलिए इसको 1 से इनटू करना है, 4 बाय 5, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 5 आ गया, तो आप देखेंगे 10 बाय 5 इज एडेड विद 4 बाय 5, डिनोमिनेटर का सेम है तो आप डिनोमिनेटर 5 भी लिखेंगे और 14 बाय 5 तो आप इन दोनों को ऐड करके 14 बाय 5 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आया समझ में एडिशन करना? हाँ सर। हाँ सर। चलो ए सेक्शन आप लोग स्टार्ट कर दो, ए सेक्शन मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, अगर 10 मिनट में हो गया या नहीं आप फिर उसके बाद मैं नया सेक्शन बताऊंगा, 10 मिनट में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सर बाजू में आपको 10 मिनट तक आप लोगों को खुद करना, मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। सर सेक्शन ए में मेथड बतानी है? हाँ बेटा मेथड सब में दिखानी है, डायरेक्ट तीन लिख सकते हैं ना, ये देखो प्रोसेस मेरा पूरा लिख के दिखा है, ऐसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। बस आप करते जाओ, एंडिंग में मैं 10 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा कौन सा नहीं आया तो वो मैं आपको डाउट बताऊंगा, और सब आ रहे हैं तो आप करते ही चले जाओ बस। 12 क्वेश्चन है देखिए, 10 मिनट में किसके 12 के 12 हो जाते हैं। सर बेटा ये बैठा हो, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
हाँ बोलो बच्चों क्या बोल रहे हो बताओ सर ये सेकंड क्वेश्चन में सर आपने आंसर तो -8/4 लिख -2 लिखा है -2/4 लेकिन हाँ सर -8/4 आएगा -4 आ रहा है हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर -8/4 लेकिन आपको पता है दोनों सिंपलीफाई तो 4 का -2/4 जिसको हम -2 भी कहते हैं सर क्वेश्चन -15/+7 है देखो वही बता दो मैं फिर से बता आपका आंसर जो आ रहा है ना मैं पूरा रिटर्न फिर से बता देता हूँ आपका आंसर है -15/4+7/4 डिनोमिनेटर सेम है तो आपने लिखा -15+7 माइनस साइन जो है माइनस प्लस माइनस होता है 15 में से 7 माइनस किया 8 आ गया 8 4 के लिए होते दो को डिवाइड किए 4 2 4 1 -2/1 को -2 भी लिखते हैं ये आंसर है आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को हाँ सर तो सर yes, सब में यही करना है हमें अगर सिंपलीफाइड होता तो सिंपलीफाई के फॉर्म में नहीं होता तो वैसे आप 8/4 लिखो तो रॉन्ग नहीं है लेकिन सिंपलीफाइड हो जाए तो अच्छी बात है सर यानी कि हाँ अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं लिखे एग्जाम में तो चलेगा लिखो तो ज्यादा अच्छा है मैं वो आपके लिए नॉलेज दिखा रहा है कि आपको आता ही है कोशिश करो कि सिंपलीफाइड फॉर्म में करो ओके सर ठीक है दो मिनट बाद 10 मिनट हो जाएंगे फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ सफिका आपको आ रहा है बेटा आप पूछ भी नहीं रहे हो हाँ सर ठीक है मोहम्मद आपका भी सभी पॉजिटिव है मैं ये पूछ रहा था कि आपका हुआ तो भी उसी के नाम पर पड़ेगा आप उसको जाने ये क्या कि किसी और ने
फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। छोड़ दो मैं अभी बता दूंगा, फोर्थ वाला नहीं आ रहा, दूसरा ट्राई करो। फोर्थ वाले में मैं बता दूं सर, उसमें मेरा आंसर 11/20 आ रहा है 3/20 के बजाय। फोर्थ में देखो नहीं सर, 3/20 आ रहा है। 3/20 है ना, हाँ आंसर तो राइट ही होगा। मैं आपको इसका मेथड बता दूं। पहले आप क्या करोगे, 3/4 और -3/5 आपको डिनोमिनेटर को सिर्फ देखना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, तो उसमें तो 15/20 प्लस -4/20 आया। रुको तुझे मैं बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। 3/4 प्लस -3/5 आ रहा है। पहले 4 और 5 का एलसीएम लिया आपने, डिनोमिनेटर आ गया 2 2 5 2 1 5 5 1 0 4 5 5 20। अब 3/4 को 4 को 20 में बदलने के लिए 5 से टू गया तो 15/20 आया। फिर -3/5 को इनटू गया 4 5 4 4 से -12/20। फिर आपने 3/12/20 नहीं, इधर लिखा आपने 15/20 और ये 10/20 दोनों का 15 - 12 चलो दूसरा बता रहा बच्चों, कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो थोड़ा थोड़ा सा और बोलो, मेरे को ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अभी मैं डिस्कस करूं फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट और दे रहा हूं, 5 मिनट और कर लो। सर मुझे 6th वाले में डाउट है। हाँ मैं बता रहा हूँ, 6th में 27 और 18 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम 54 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो -7/27 को 2 से इनटू के ऊपर नीचे तो -5। अच्छा मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ सर, बस वो कन्वर्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये एलसीएम के बाद 7/27 और दूसरा नंबर है आपका 11/18 तो एलसीएम आपका 54 आ गया। आप क्या करो, फर्स्ट -7/27 इसको 54 में 27 को देना तो 2 से इनटू करना है -14/54 फिर 11/18 18 के टेबल में 3 जा सर 52 आएगा 27 इनटू 2 3/54 तो आप हाँ मोहम्मद बोलो। हाँ बोलो बेटा। देखो ये ना, तो यहाँ पर -14/54 + 33/54 एलसीएम 54 -14 + 33 बड़ा साइन माइनस प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है याद है ना, प्लस देखने से प्लस की करना है। 33 में से 19/54 ये आंसर नहीं आ रहा, 19/54
आंसर यही आ रहा है। उसका जिसका एलसीएम निकल रहा है वो लोएस्ट फॉर्म में निकल रहा है। दोष करने की जो थी ये निकटते हैं, ऐसे छोड़ दो। ओके बच्चों ये समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर। हाँ सर। चलो तो ये आपको 12th अब मैं आप लोगों को डिफरेंस करना सिखा रहा हूँ। डिफरेंस वाले क्वेश्चन का ध्यान से देखना, डिफरेंस में कैसे करना है, फिर आप लोग साइन का ध्यान नहीं रखते हो। डिफरेंस में जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है सेकंड 4/9 माइनस 7/9 4/9 सॉल्व करेंगे क्या सॉल्यूशन माइनस माइनस प्लस 7/9 आ गया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली 4 + 7 11/9 मतलब 11/9 बीच में माइनस साइन आना है, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन ये माइनस माइनस इंक्लूड करने से प्लस हो जाएगा तो ये आपका 11/9 आ गया। देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए इसका। आपको दिया है -3/8 -3/-8 --2/7 -3/8 को इससे माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/7 8 और 7 का एलसीएम निकालना है तो वो 56 आया। 8 + 7 = 56 7 + 7 = 56 8 + 8 = 18 3 7 = 21 + 8 = 16 37 / 56 इन दोनों का डिफरेंस आ गया। बेटा समझ में आया दोनों को? बाकी होमवर्क में करने हैं आपको जितना भी हो सकता है। व्हाट्सएप पे भेजना है? हाँ बात नहीं, ये आज शाम रात को सारा करके भेज देना पूरा एक साथ। ओके सर। करके भेज देना। कौन है ये? ये तेरे को पिटाई लगने वाला है। वो बेटा बनाएगा तुझे बेटा। तो कौन था ये? चित्ता पिता। सर ये याद भी थी सर। सर उस टाइम वो कबूतर की आवाज याद आ गई। नहीं सर। बेटा डोंट वेस्ट टाइम। मस्ती कर लिया, पढ़ाई में भी ध्यान दो। फिर आप लोगों की माँ गंदे गंदे आदि सर समझती नहीं है। सर मैंने नहीं किया। देवना सबके पापा बने बैठे हैं। बेटा बेटा बहुत बड़ा। मैं तुमसे बहुत बड़ा मैं बोल जाता हूँ, तुम नहीं बोल सकते।
वेदांत तेरा नाम उल्टा क्यों लिखा है मैंने स्क्रीन, वेदांत का उल्टा नाम लिखा हुआ है। दक्ष, दक्षेश नाम गायब हो गए, आज हो कि नहीं सर? हो सर। सर मामा जी घर पे घूमने चला गया। आप लोग ना अपने कैमरा ऑफ रखो, मेरे को क्या, मैं आपके पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ, ये लोग कैमरा बंद करके ना घूमते फिरते रहते हैं। जिस जिसका भी कैमरा ऑफ है ना सबकी शिकायत जाने वाली है, जानबूझ के नहीं सर, मेरा तो कैमरा ऑन है। रानी सब हाँ सर, हम लोगों का ऑन है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो रानी चाय पीने चली जाती है। नहीं सर, कैमरा ऑन रखो। मैं वो चाय पी सर, मेरा भी सर ऑन है सर, मेरा सर दे दो सर, मेरा ऑन है सर। ऑन नहीं है सर, ऐसी सर चीटिंग नहीं चलती सर, मेरा कैमरा सर ऑन है। दक्षेश तुम्हारा सर, आप ऐसा मत बोल दी सबका कैमरा ऑन है सर, मेरा कैमरा ऑन है सर, मैंने भी कर दिया। चालू रखो, चालू रखो। सर एक बात पूछनी थी सर, थर्ड थर्टीन वाले का आंसर मेरा 15। सही है, अपना फोटो नहीं बताया अपनी चंदा का फोटो। सर मेरा भी 13 वाले में नहीं आ रहा, देखो इसमें माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस 4 माइनस सर पंडिनोम माइनस 15 नहीं होता सर पंडिनोम, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस लगता है, 11 प्लस 1 करो 4 करो तो 15 नहीं हो जाता है, माइनस प्लस करना होता है। अरे सर वही तो बोल रहे हैं, 15 अपन 13 आ रहा है, अपन आपने वन अप नहीं कुछ सॉरी सर, तो तुम क्या आपने माइनस 15 अपन 13 दिया है, माइनस साइन तो लगेगा ना, जो माइनस साइन बड़ा है तो माइनस लगेगा और फिर ऐड करना है तो माइनस 15 अपन 13 है सर। अपन कैसे बड़ा हुआ, माइनस 4 और माइनस 11 है तो 11 का साइन माइनस लगा तो माइनस लगा दो, 4 और 11 में जो नंबर बड़ा उसका साइन लगा दो, इसका साइन 11 बड़ा है तो माइनस साइन लगा दिया, और अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 11 और 4 को प्लस किया तो 15, माइनस 15 अपॉन 13। अच्छा माइनस 11 है, मुझे लगा कि प्लस प्लस 11 है, पर बीच में माइनस की साइन दिए सर। ना ना तो भी वो माइनस ही काउंट होगा, आपने आपने अलग कर दिया ना बेचारे 11 से माइनस के साइन को। ना ना ऐसा नहीं करता, जल्दी जल्दी करो। कितने क्वेश्चन तक किए तुमने दक्षेश? यस सर। बेटा कहाँ तक पहुँच गया? पता ही नहीं सर, देव को बोलन चुप रहे, देव गाना मत गाओ। हाँ बोलो सर। हाँ सर, ये 13th वाले क्वेश्चन में माइनस 15 अपॉन 13 नहीं आ रहा, वही आ रहा है, देखो मैंने उसको भी बताया, प्रियदर्शनी को बताया, वही आ रहा है राधी। अरे राधी, राधी राधी माइनस 11 है, जो प्लस 11 समझ रहे ना वो माइनस 11। देखो राधी, देखो 11 का साइन माइनस है तो माइनस लिख दिया, लेकिन दोनों नंबर माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों नंबर को प्लस करना। हाँ सर वो तो पता चल गया, ये माइनस वाला नहीं पता चल रहा था बस। अरे 11 का 4 और 11 में नंबर 11 की साइन बड़ी हुई ना सर, ये माइनस सर ये ऐसी है, इसको तू चाहता ही नहीं है, देख क्या किए मैंने समझ दिया, तो तू चाहता ही नहीं है। वो नंबर बड़ा उसका साइन लगा दो बेटा, 11 का साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर माइनस माइनस प्लस करना है। किसको नहीं समझ में आया? सही है ना, बहुत अच्छी इसकी कुछ बोल नहीं आई। अर्नब ने तो बता दिया, अर्नब तुम कहा कौन से क्वेश्चन पर हो? अर्नब तेरी आवाज नहीं आई है, अर्नब अर्नब दी अर्नब कौन से क्वेश्चन पर हो बेटा, तेरी आवाज नहीं आई, तेरी आवाज नहीं आई है ना। हाँ जल्दी जल्दी करो बेटा फास्ट। सर दक्षिण तो क्या हुआ सर, ये भी कुछ नहीं बोलिए, क्या बात है। दक्षिण कहाँ तक पहुंचे बेटा? मैं क्वेश्चन 5 तक का बोला ना बस। वेरी गुड, चलो कोई नहीं, कर धीमे स्पीड पकड़ो बेटा, थोड़ा फास्ट करो। किसी किसी में डाउट आया बेटा, 5 या 6 में किसी में डाउट आया? दक्षिण किसी में डाउट आया बेटा? नो सर। आंसर मैच हो रहे हैं, देखो नीचे लिखे हुए आंसर मैंने सर, सेक्शन है कंप्लीट हो गया सर, मुझे भी
बाय सर, बाय 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 बाय। तो चुप रहे, मुझे सर से डाउट पूछना है। इसमें डाउट है बताओ। चिड़िया सर 14th में डिनोमिनेटर 15 आएगा, आ रहा है। आपने 20 लिखा है क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। हां 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 वो रॉन्ग हो गया, उसको मैं देखता हूं, मैं आंसर बता रहा हूं उसका क्या आएगा। 2/3 - 3 सर उसका आंसर आपने 1/20 लिखा है लेकिन